भूटान में 8 दिन बिताने के बाद और बैंगलोर वापस जाने से पहले हम अपने ट्रिप में और एक सरप्राइज रखे थे, और वो था द ग्रेट इंडियन राइनो या फिर वन हॉर्न राइनो देखना। और वो देखने के लिए हमें जाना था जल्दपरा रिजर्व। भूटान से बस लेके भूटान गेट क्रॉस करके कब तक हम जल्दापारा नेशनल फॉरेस्ट पहुंच गए हमें पता भी नहीं चला। इंडियन वन हॉर्न राइनो का प्राइमरी हैबिटेट है जल्दापारा नेशनल पार्क। इसे लक बोलिए या फिर इग्नोरेंस, हमें मालूम नहीं था कि वो दिन था लास्ट दिन उस सीजन का जंगल सफारी का। जंगल सफारी अगर आप करना चाहते हैं तो याद रखिएगा 16 जून टू 15 सितंबर इस टाइम ऑलमोस्ट इस ड्यूरेशन में सफारी नहीं होता है। तो हम जब पहुंचे दैट वाज 15 जून और 15 जून को लास्ट सफारी था। बहुत सारा भीड़ था वहां पे सफारी करने के लिए। हमें डायरेक्टली कोई जीप बुकिंग नहीं मिला, सारे जीप बुक हो चुके थे, पर एक फैमिली हमें मिल गया जिनके जीप में 4 सीट खाली था। तो हम उनके साथ बात करके उनका जीप शेयर कर लिए, तो भाड़ा शेयर कर लिए और इस तरह से हम ये सफारी कर पाए। सफारी शुरू होने के 10 मिनट के अंदर ही हमें राइनो दिख गया। जैसे देख रहे हैं सब लोग अपना कैमरा ताक रहे हैं तालाब के उस साइड पे, वहाँ पे उनको राइनो दिख गया। उससे पहले एक छोटा सा चीज़ आपको बता देते हैं, इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे सफारी करने के लिए 1800 पर रखता है एक जीप का, मतलब एक जीप में 6 लोग बैठते हैं, उसके साथ एक गाइड और एक ड्राइवर जी बैठते हैं। तो इन 6 लोगों के लिए आपको 1800 रुपये देना पड़ता है। तो अगर आप 6 लोग जा रहे हैं अलग अलग से तो 6 लोगों में भी 1800 रुपये शेयर हो जाता है। उसके बाद हमें लेकर जाया गया एक वॉच टावर में। उसके ऊपर उठ के आप बहुत दूर तक देख सकते हैं, अगर एनिमल्स दिखे तो आप ज़रूर स्पॉट कर सकते हैं। यहाँ से हमें बहुत कुछ नहीं दिखा, बस इनके कुछ अपने हाथी दिखे और एक हाथी का छोटा बच्चा था उसको, वो भी दिख गया, बहुत क्यूट सा था। और यहाँ से और कुछ और एनिमल हमें स्पॉट नहीं हो पाया, पर ज़रूर आप अगर ज़्यादा देर रहते हो या फिर बहुत अर्ली मॉर्निंग या शाम को आते हो तो ज़रूर देख पाएंगे। नेक्स्ट स्टॉप था हॉलोंग। हॉलोंग का जो बांग्लो है जो आपको अभी दिखेगा ये बहुत पुराना है, ये फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट है जल्दापारा के अंदर, और यहाँ पे बुकिंग मिलना बहुत ही मुश्किल है। और इसका प्राइमरी रीज़न ये है कि इसके सामने जो वाटर बॉडी है, जो वाटर पिट है, उस पर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल आते रहते हैं सुबह शाम सब टाइम पे, और आप घर के अंदर बैठ के ही पूरा देख सकते हो, तो ये हमेशा खचाखच भरा रहता है। फिर भी आप बुकिंग के लिए कोशिश कर सकते हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के गवर्नमेंट वेबसाइट में, अगर आपको बुकिंग मिल जाए तो वहीं से मिलेगा। इस ट्रिप के आखिरी लेग में आप जाते हो एक लोकल प्राइमरी स्कूल में, जहाँ पे हेडमास्टर जी हैं जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, वो बच्चों को लेके एक डांस परफॉर्मेंस कल्चरल प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं। वो बेस होता है प्राइमरली बोरो डांस के ऊपर। हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया या फिर आसाम में बोरो है एक फोक डांस जो बहुत ही पुराने टाइम से चला आ रहा है, और उसका परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे दिखता है। देखते देखते शाम हो गया और हम वापस आ गए अपने बंगलों में। और आपको थोड़ा प्राइस के बारे में बता देते हैं, 3.5-4 हज़ार होता है अगर कॉटेज लेते हो आप, छोटा और बड़ा दो कॉटेज है। अगर आप बिल्डिंग में रहते हो, मतलब रूम्स में रहते हो, तो प्राइस थोड़ा कम होता है। स्क्रीन के ऊपर मैं दे देता हूँ कैसा प्राइस है आज के दिन पे, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका रेफरेंस के लिए। रूम्स बहुत ही बड़े हैं, बहुत ही बड़े, मतलब बड़ा कॉटेज आप लेते हो, जैसे हम ये वाला में रह रहे हैं राइट साइड में जो दिख रहा है इसमें, तो बहुत ही बड़ा है, मतलब यहाँ पे 3 लोग तो आराम से रह सकते हैं। एक बालकनी है बहुत बड़ा सा। जब हम थे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन था कि रूम पे ये खाना नहीं दे रहे थे, तो आपको जाके खाना था किचन में, और इनका खाना बहुत ही बढ़िया है। और इनका अब रहोगे तो ज़रूर दार्जिलिंग टी ट्राई कीजिएगा इस फैसिलिटी में, बहुत बढ़िया बनाते हैं यहाँ पे। और यहीं पे ख़त्म होता है हमारा भूटान और एक्सटेंडेड जल्दापारा ट्रिप, और हम बहुत जल्दी वापस आएंगे आपके लिए और भी बहुत नए वीडियो लेके, स्पेसिफिकली सिक्किम और उसके बाद हिमाचल का वीडियो ला रहे हैं। स्टे ट्यून्ड इन द चैनल।